यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी स्लाइडिंग हुई है, पूरा का पूरा खेत नीचे आया, और यहाँ पे सेब का जो पेड़ था वो भी यहाँ पे टूट गया है। और आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आजा गुल्लू, वॉशरूम में किस तरह से यहाँ पे दरारें आ गई है, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम जाना भी बहुत ही खतरा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से स्लाइडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग यहाँ पे हुई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो सप्लाई है, जो मैं कल पानी भर रहा था, वो वाली सप्लाई है, और दूसरी वाली सप्लाई ऊपर से आती है, ये वाली छोटी सप्लाई है ना डुगबाई की, तो ये गांव वाली सप्लाई ये ठीक हुई थी, लेकिन जो मेन सप्लाई वो ऊपर से, वो तो बिल्कुल से उसका पता भी नहीं कहाँ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे खेत है यहाँ पे, यहाँ पे दो तीन खेत है मेरे, यहाँ नीचे ये अंकल के खेत है, ये वाले यहाँ ऊपर से हो पा रहा कि हमारे खेत कहाँ जैसे बिल्कुल से बह गए खेत। और जो यहाँ पे गोभी बिजाई थी, और यहाँ पे पौधे भी थे, हमारे सेब के पेड़ थे यहाँ पे बीच में, सबके सेब के पेड़ और बह गए पूरे, पता भी नहीं अभी, फिर से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक सिचुएशन। ओह माय गॉड, गोलू इतनी सारी स्लाइडिंग। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, मैं सोचा कि वो वाला स्लॉट वहां पे ज्यादा स्लाइडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे देखे ना बहुत ही, मैं तो हैरान हो गया यार, इतनी ज्यादा स्लाइडिंग हुई यहाँ पे। यहाँ पे हमारे तीन चार खेत थे नीचे, पूरे के पूरे बह गए, और वहां भी हमारा खेत है वो भी पूरा बह गया। और यहाँ पे गांव वाले खेत देख सकते हैं आप, ऊपर से आए पूरा स्लॉट आया है, और यहाँ पे यहाँ से लेके नाले तक जितने भी हमारे सेब के पेट ना बिल्कुल साफ है, गाय भी सेब यहाँ से। गुल्लू तेरा खेत भी है ना? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे गुल्लू खेत है, और बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ इनके, और हम सेब भी खाते थे जब यहाँ रास्ते से आते, तो यहाँ सेब खाते, लेकिन यहाँ से पेड़ ही गायब है इनके, पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे बह गया है सारा। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी आया होगा, पूरा फ्लड आया था खतरनाक, और यहाँ पे पाइपलाइन डैमेज हुई है, यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप लगाई है, जो नीचे पानी आता है, लेकिन जो दूसरी वाली पाइप है ऊपर से आती है वो भी गायब है। तो आगे और भी खेते में आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग रहते, जो अंकल रहते, वो गांव वाले घर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे मतलब स्लाइडिंग ही हो रही थी कंटिन्यू, और बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग एक साथ, आज तक मैंने इतनी स्लाइडिंग गांव में कभी नहीं देखी थी। और गोल्लू के खेत है यहाँ पे, यहाँ से लेके कहाँ था गोल्लू तेरे खेत? यहाँ से नीचे तक गोल्लू के, हाँ यहाँ से हमारे खेत है नीचे तक, और ये परे वाला भी हमारा है, ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, कुछ पौधे दिख रहे हैं और पूरे बह गए हैं, अब नामो निशान गायब हो गए खेतों का। यहाँ पे हमारा बगीचा है सेब का, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, खिमड़ का पेड़ था, बहुत बड़ा था, और यहाँ पूरा जब यहाँ से नीचे बह गया पेड़, यहाँ से पेड़ दिख भी नहीं रहा, पेड़ कहाँ है भी गोलू का है, और उससे नीचे हमारा खेत था, वो भी यहाँ पे पौधे थे, लगभग 50 पौधे थे हो गए यहाँ पे, ये नीचे वाला स्लॉट है वो गायब है सारे। बता दूं कि गांव में जितने भी घर है सभी लोगों का नुकसान हुआ है, और हमारा नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये वाले खेत यहाँ पे बह गया, और ऊपर टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी हमारे खेत थे वो भी बह गए, और यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ जो मैंने खेत दिखाया यहाँ पे खेत वो बह गए, और वहाँ उस साइड वहाँ पे खेत है हमारे, और वहाँ भी बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हुई है, और हर जगह यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, यहाँ भी बहुत सारे पौधे बह गए हैं, और ऊपर टॉप वहाँ भी हमारे खेत है लेकिन वहाँ भी स्लाइडिंग हुई है, तो जगह जगह स्लाइडिंग हुई इस बार, बहुत खतरनाक ये है। तो गल्लू इसका, इसके खेत में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कितने खेत बह गए गल्लू तेरे? ऐसे दो तीन। तीन? हाँ। पौधे कितने हो गए गाइस? इसको भी नहीं पता, बहुत ज्यादा पौधे गायब हो गए। तो यहाँ पे हमारे सेब का बगीचा है, लेकिन देखते वाला क्या क्या है खास, इस बार सेब है भी कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस बार फसल कितनी खराब है, बिल्कुल से सेब नहीं है, जो सेब है भी बहुत ज्यादा स्कैब लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये इतने बड़े बड़े सेब होते थे, आप पिछले बार ब्लॉग देख सकते हैं मेरा, लेकिन इस बार यहाँ पे फसल ही नहीं है सेब की, ये देखो बहुत छोटे छोटे सेब, अभी अभी तक सेब यहाँ पे पक जाता था पूरा, लेकिन बहुत छोटे छोटे सेब है, अगर सेब है भी तो उसमें पूरा स्कैब लगा है, कोई भी दाना नहीं जो सेफ है, देख सकते हैं क्लियर कोई भी नहीं है, स्कैब लगा है सभी में, ऊपर भी है। तो ये हमारा बगीचा था, लेकिन अभी यहाँ के पौधे बह गए हैं, देख सकते हैं आप, ये स्लाइडिंग हुई यहाँ से नीचे, तो ऐसा ही यहाँ से पौधे गायब हो गए। बोलू तुम, तेरे को डर लग रही थी, डर लग रही थी उस टाइम जब ऐसे आवाज आ रही थी गिरने की? हाँ, तब लगी थी। कहाँ कहाँ आई थी जोर जोर से आवाजें? हाँ। कैसे आई थी? ऐसा गिर रहा था जोर जोर से। हाँ। पत्थर पत्थर, जब ये परिवारी खिमल गई थी तब। हाँ। रात को गिरी की दिन को गिरी? वो गिरी रात को। रात को कितने बजे? पता नहीं, वो कितने बजे टाइम देखा। सुनाई दिया तेरे को? हाँ। इतनी आवाज आई थी ऊपर तक सुनाई दिया? हाँ, बहुत जोर से।
तुगे भाई में पहुंच गए जहाँ पे पानी का सोर्स है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी नुकसान हुआ है। तो देखिए वाला आगे क्या क्या है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी दे रहा है अभी, और यहाँ भी ऊपर से आया था, यहाँ पे लोग खेत बह गए। पूरे पेड़ आगे प्रसिद्ध है, पत्थर हो रहा चूंकि बनाओ यहाँ पे, ये बॉडी शेप है, नहीं तो ये सोर्स ही खत्म हो जाना था हमारा, पानी सूख जाना था, फिर गांव के लिए पानी भी नहीं जा सकता था। इसको फिर बहुत सारा बजट पड़ता और भी आता इसको। हाँ वो सब क्या मेरे को हिसाब क्या वो। हाँ ये चलते हैं यहाँ देख सकते हैं पूरे के पूरे पेड़ आया ऊपर से लाइट करके, शुक्र मनाओ इतना कि ये बॉडी सेफ है, अगर इसको नुकसान होता तो पूरे का पूरा पानी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अभी पानी तो है नहीं गांव में, जो मेन लाइन आती है वहाँ से, मेन लाइन ऊपर से जाती है मेन लाइन, इसका जो सोर्स है टूट चुका है, पीछे से पानी की सप्लाई नहीं आ रही। अभी मुझे लगता है कि एक महीना लगे इसको जोड़ने के लिए, और अभी हमने यहाँ से ज्वाइंट किया है गाँव के लिए, जो नीचे से आपको मैंने सप्लाई दिखाई थी वो जा रही गाँव, मैं तो बोलने जा रहा हूँ बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये जो पानी की बॉडी है बिल्कुल सेफ है। और मैं आपको बता दूं कि बचपन में हम यहाँ से पानी भरा करते थे, और अभी भी अगर यहाँ पे जरूरत हुई तो गांव में कई बार पानी का सोर्स सूख जाता है, जो पाइपलाइन है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस वजह से फिर से हम यहाँ वापिस आते हैं और पानी भरते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी बिल्कुल मिनरल वाटर है, यहाँ का शुद्ध पानी है। तो यहाँ पे ऐसा है देख सकते आप। तो गाइस जैसे कि आपने देखा गांव में हमारी जगह जगह खेत बह गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो हमारे घर बने गांव में वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ, घर सबके सेफ है यहाँ पे। ये अच्छी बात है कि जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने सोच समझ के हमारे घर बनाए थे जहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होती है। तो अगर इस एरिया में कहीं घर बनाए होते थे अंदर जहाँ पे स्लाइडिंग हुई है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता, घर बह सकते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घर सेफ है, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होती है, और साइड आसपास स्लाइडिंग हुई जरूर है लेकिन खतरा बना हुआ है, फिर भी अगर ज़्यादा स्लाइडिंग होती है तो फिर से यहाँ गांव में नुकसान हो सकता है। और प्रशासन से मेरी विनती है कि यहाँ पे जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारे खेत बह गए, उसका एक बार जायजा लिया जाए और कितना नुकसान हुआ वो भी देखा जाए, और जितना क्लेम बनता है लोगों को दिया जाए, किसानों को दिया जाए, या फिर यहाँ फिर से आप ऐसे कर सकते हैं गारंटी शुरू कर सकते हैं, जो गारंटी योजना होती है उसके तहत इस काम को पूरा किया जा सकता है। नहीं तो अगर किसान इसको पूरा करने मुझे लगता कि 5-6 साल लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इस नुकसान को एक बार देखें और इसका पूरा करें।